वंदे मातरम सत्ता का टेम्परेचर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साजिद यागी। पंजाब, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान, कांग्रेस में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी चलती रही है और अभी भी चलती नजर आ रही है। अपने अपने विधायकों को मंत्री बनाने की जद्दोजहद करते रहते हैं और इस बीच संगठन में भी अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। लेकिन राज्यों में हलचल क्यों है तेज और इसका क्या असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, इसको लेकर आज चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या राजस्थान में सुलह की कोशिश हो रही है और इस बीच राजस्थान कांग्रेस की आगे राह क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आज शाम 5 बजे कांग्रेस मंत्री परिषद की एक बैठक होगी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 3 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सीएम गहलोत आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात भी कर सकते हैं। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन, अशोक गहलोत की बैठक जारी है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि कल शाम 4 बजे राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है और इसको लेकर आशंका यह भी है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है। दरअसल राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा, हरीश चौधरी यह अपने पद से इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं, जो अशोक गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 मंत्रियों के इस्तीफे के तो स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन इसके साथ ही आज शाम होने वाली बैठक बहुत कुछ दर्शा रही है। सीएम ने 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई है। इसमें आसार लग रहे हैं कि कुछ मंत्रियों के प्रभार भी बदले जा सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में इस समय का जिक्र करें, वो 3 मंत्री जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद अब 12 पद खाली हैं। अंदाजा यही है कि वो विधायक जो बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अलावा अंदाजा ये भी है कि पायलट गुट और गहलोत गुट, दोनों ही गुटों के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको मंत्री पद दिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अटकलें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अभी सब कुछ अंदाजे के बीच पनप रहा है। हकीकत यही है कि अभी मौजूदा समय में 12 पद खाली हो चुके हैं। 3 लोगों ने इस्तीफा दिया जिनको स्वीकार कर लिया गया। इस बीच हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आभार आपका, आपने समय निकाला। ऋषि जी, राजस्थान का विश्लेषण करें तो इस समय की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अंदाजा बहुत पहले से था, आप बता रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि आखिरी 1 साल में राजस्थान में भी उठापटक होगी, पंजाब जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन पंजाब जैसी बुरी स्थिति तक कांग्रेस ना पहुंचे उससे पहले सुलह समझौते का ये जो समय है, क्या ये वो चल रहा है ये माना जाए? देखिए, पंजाब और राजस्थान की तुलना नहीं की जा सकती है। राजस्थान में जो वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत, उनको विधायकों का विश्वास मत प्राप्त है और करीब 100 से अधिक विधायक अशोक गहलोत खेमा के हैं। लेकिन सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी ही अध्यक्षता में कांग्रेस सत्ता में वापसी की थी। तो सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि किसी भी प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में हो उसमें पायलट कैंप को नाराज किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट रिसफल हो रहा है, जो मुझे खबर है, सचिन पायलट कैंप को 4 से 5 मंत्री पद दिया जा सकता है, जिसमें पायलट गुट के विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। कई पायलट समर्थकों को बोर्ड में एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। कई पायलट समर्थकों को जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। इस प्रकार से सचिन पायलट गुट को साधने की मुझे लगता है पार्टी हाईकमान कोशिश करेगी। एक नया चीज देखने को ये मिला है कि पार्टी जिन तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उन मंत्रियों को राजस्थान अशोक गहलोत के तरफ से इशारा नहीं, दिल्ली हाईकमान के तरफ से फोन गया था कि आपको इस्तीफा देना है। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, आपको मालूम होगा
एक हरीश चौधरी जो है वो हरीश चौधरी को प्रभारी बनाया गया है, वही हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, वही रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, और एक और मंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री भी थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस अच्छा, इसका अंदाजा क्या ऋषि जी इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इस्तीफा दिया गया उसमें सोनिया गांधी को मेंशन किया गया और ये कहा गया कि मैं हम लोग संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, अब कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, इससे अंदाजा लगा ले ऋषि जी? देखिए बिल्कुल स्पष्ट पार्टी हाईकमान इसमें ये बिल्कुल ये रिफ्लेक्शन दिख रही है और ये दिखाया भी जा रहा है कि अशोक गहलोत ने किसी भी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया है, डायरेक्ट पार्टी हाईकमान ने इस्तीफा लिया है। इसलिए तीनों मंत्री जो इस्तीफा दिए हैं उन्होंने इस्तीफा देने से पहले उनको दिल्ली से फोन गया था, और जहां तक मुझे खबर है और आपने भी बताया कि हो सकता है कि आज शाम कैबिनेट की बैठक हो जिसमें जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य है कैबिनेट से अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे सकते हैं, राजभवन जाके अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, और बिल्कुल ये पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि किस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और किसको कैबिनेट से बाहर किया जाता है, ताकि पायलट और गहलोत के बीच जो तल्खियां बनी हुई है उसको खत्म किया जाए। अच्छा ऋषि जी, पिछले एक डेढ़ या दो साल ढाई साल में ये मान लें सचिन पायलट बहुत नाराज चल रहे थे, और अब तक कुछ समय पहले तक तो अंदाजा ये भी था कि वो अशोक गहलोत का नाम भी शायद नहीं सुनना चाहते हैं। ये सब अटकलें हैं, कहानियां भी बनती हैं, किस्से भी बन जाते हैं, लेकिन इन सबके बीच में अगर मौजूदा समय का जिक्र करें जो आज हो रहा है, ये जो घटनाक्रम है, क्या ये समझा जाए ये एक जीत है सचिन पायलट के लिए? जो संयम उन्होंने बरता है अब तक, क्या वो अब रंग लाने लगा है? देखिए सचिन पायलट के पास विकल्प भी नहीं था कि मैं स्पष्ट करता हूँ, सचिन पायलट को धैर्य रखना चाहिए था, यंग नेता हैं उनका, अशोक गहलोत मुझे लगता है 70 के आसपास के होंगे, ये उनकी लास्ट पारी हो सकती है, तो सचिन पायलट को उस समय भी बगावत नहीं करना चाहिए था, पार्टी आला कमान से बात करना चाहिए था, यंग नेता हैं उनके पास राजनीति करने के लिए लंबा अभी अवधि बचा हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि अशोक गहलोत के पास कोई ऐसा नेता है राजस्थान में जो सचिन पायलट को चैलेंज करे। लेकिन एक बात आपको ये भी देखना होगा कि लोकतंत्र में वही नेता होता है जिनके पास विधायकों का समर्थन होता है, जनता का समर्थन होता है, और मैं कई चैनल डिबेट में ये कह चुका हूँ कि यदि सचिन पायलट बहुत लोकप्रिय हैं, जैसा इंटरनेशनल मीडिया में एक छवि गढ़ी जाती है, और लोकप्रिय भी है, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि आप लोकप्रिय हैं संगठन और जनता के बीच में, विधायकों के बीच में, तो कम से कम आपके आपके पक्ष में 50 से अधिक विधायक होना चाहिए, जो सचिन पायलट के साथ दिखता नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में अशोक गहलोत ने अपनी ताकत दिखाया है, और कई बल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर पर रही है, तो अशोक गहलोत ने अपने लीडरशिप को पार्टी आला कमान के सामने दिखाया है कि इस कठिन परिस्थिति में जब पायलट एक तरह से बगावत कर चुके थे, पार्टी में गुटबाजी है, उसके बावजूद भी उपचुनाव में अशोक गहलोत ने दोनों सीट जो है, एक सीट बीजेपी से छीनी है कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का दबदबा जो है मुझे लगता है बरकरार है, लेकिन पायलट गुट को कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाएगा, 4 से 5 लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, कई ऐसे सीनियर नेता अशोक पायलट खेमा में भी यंग नेता है, जैसे मुकेश भाकर है जो पहली बार चुन के आए हैं, अशोक पायलट के साथ हमेशा से बने हुए हैं, विश्वेंद्र सिंह है भरतपुर से आते हैं, भरतपुर के राजघराने से आते हैं विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्री भी थे अशोक गहलोत के कैबिनेट में बगावत से पहले, हो सकता है ऐसे चेहरों को पायलट जो है अपने कैंप के थ्रू अशोक गहलोत कैबिनेट में शामिल कराए। जी, इस बीच हमारे साथ निरंजन परिहार जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। निरंजन जी, अगर हम राजस्थान का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर मैंडेट चौंकाने वाला आमतौर पर अब नहीं रह गया है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आते ही जनता अपना जो फैसला सुनाती है वो सबके सामने रहता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हो, अगर जनता किसी से नाखुश है तो सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पर होता है, चाहे पूरे देश में आई मोदी लहर हो, पिछली बार जो चुनाव हुए राजस्थान में उसने दिखा दिया कि बीजेपी को किस तरीके से जनता ने नकारा और कांग्रेस को चुन लिया, और अब यही कांग्रेस के साथ भी जाता है, जो गुटबाजी पिछले कुछ समय में हुई है
इसका नुकसान निश्चित तौर पर राजस्थान में भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। अब नुकसान ज्यादा ना हो इसका ख्याल इस वक्त पार्टी रख रही है, क्या ये माना जाए? कभी दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वो सामान्य तौर पर होता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में अब तक एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती रही है, उसी हिसाब से सामान्यतया सामान्य आंकलन के तौर पर ये कहा जाता है कि अगली बार बीजेपी आ जाएगी, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता राजनीति में, क्योंकि मतदाता कब किसके साथ चला जाए कोई नहीं कह सकता। कौन जानता था कि इस देश में नरेंद्र मोदी को इतनी सारी सीटें एक साथ मिल जाएगी? इसलिए राजस्थान की राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि अगली बार कांग्रेस फिर से नहीं आए, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को एक निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं हो रहे क्योंकि विवाद की स्थिति जो आपस में है वो दिख रही है। सचिन पायलट जिस तरह से 1.5 साल पहले कांग्रेस से बगावत करके बागी बनकर 1 महीने तक सरकार को अपनी ही सरकार को संकट में डालकर गए थे, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक उदाहरण था कि कांग्रेस में इस तरह के लोग भी हैं जो अपनी ही पार्टी को, जो प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को खड्डे में उतारने का काम कर सकते हैं। वो नुकसान जो है उसकी भरपाई अब तक हुई नहीं है। उसके साथ ही सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में भले ही कुछ जातियों का समर्थन हो, कुछ इलाके में समर्थन हो, लेकिन पूरे ना समूचे राजस्थान के कांग्रेस के नेता के रूप में अब भी सिर्फ अशोक गहलोत को जाना जाता है, ये सच्चाई है। पर ये सच्चाई भी है कि अकेले अशोक गहलोत कांग्रेस को किस तरह से जिता पाएंगे, उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कौन कौन कितनी कितनी मेहनत करने के बाद में कांग्रेस को ताकत देगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्त में है और ये भी गर्त में है। अगर आज का जिक्र करें निरंजन जी, तो एनालिसिस क्या कह रहा है, क्योंकि अटकलें बहुत सारे हैं सूत्रों के हवाले से, जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है आज पूरा कैबिनेट ही इस्तीफा दे दे, नया कैबिनेट बन करके सबके सामने आए और कल ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। ये सही है कि राजस्थान की राजनीति में अभी ऐसा समय आ गया है कि मंत्रिमंडल में बहुत सारे चेहरों को इधर उधर भेजा जा सकता है जो कि चले भी गए हैं और बहुत सारे बदलाव भी आने हैं। लंबे समय से सचिन पायलट के साथी भी ये मांग कर रहे थे कि हमको मंत्री बनाया जाए, कांग्रेस में जिनको पद नहीं मिले, मंत्री पद नहीं मिले, वो खुद भी मंत्रिमंडल में आना चाहते हैं। लेकिन ये अपने आप में किसी भी पार्टी के लिए बहुत संकट की बात होती है कि जिसको हटाए वो नाराज, जो बाहर बैठा है वो खुश, लेकिन अंदर जो बाहर से जाने के बाद में अंदर वाला खुश, तो ये चीजें हैं। पर अगले 2 साल में कांग्रेस के लिए ये बड़ी ताकत का काम होगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में संतुलन बनाया जाए और विशेष रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए निश्चित रूप से ये एक अग्नि परीक्षा का काम है कि उन्हें इस संकट से निकलकर कांग्रेस को और मजबूत बनाना है। अच्छा, इस समय एक अलग चीज भी देखने को मिल रही है, अलग भी नहीं कहेंगे, अब तो ये एक ट्रेंड हो गया है, शायद पॉलिटिक्स में ये कहना गलत नहीं होगा। अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सबसे पहले तो बहुत मुश्किल से कहा जाएगा कि राज्य में आला कमान ले रहे हैं, ये जो फैसले ले रहे हैं अब ये सोनिया गांधी द्वारा लिया जा रहा है, आला कमान द्वारा लिया जा रहा है। जो इस्तीफे दिए गए उसमें सोनिया गांधी का नाम मेंशन था और जिन 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए वो कुछ छोटे मोटे मंत्री पद नहीं थे, मतलब स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो संगठन के लिए काम करेंगे। यानी पूरी तरीके से इस समय जो राजनीति है राज्य की वो आला कमान के हाथ में आ चुकी है। वहाँ पर मंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या अब ये डिसीजन लेने वाले हैं आला कमान, ये भी मान लिया जाए कुछ एक साल के अंदर बड़ा भी परिवर्तन हो सकता है। निरंजन जी, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की स्थिति में है, क्योंकि अशोक गहलोत को राजनीतिक सम्मान जो हासिल है या जनता के दिलों में जो जगह हासिल है वो फिलहाल किसी दूसरे नेता को नहीं है। सचिन पायलट बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पिछले साल पार्टी के खिलाफ बगावत करके खुद को जिस स्थिति में खड़ा किया वहां पर अभी उनको और प्रूव करना है अपने आप को पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह। रही बात 3 लोगों इस्तीफे की, तो देखिए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के हिसाब से जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं तो उन्होंने मंत्रिमंडल से निकलना पड़ेगा इसलिए इस्तीफा दिया। हरीश चौधरी बहुत पहले से ही पंजाब कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे और पिछले महीने रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री है वो भी प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं गुजरात के। तो ये इन तीनों का तो इस्तीफा ऑब्वियस है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों को बाहर रखा जाए। और फिर भी राजनीति में हरेक को अपनी जगह पाने का और दूसरे को दूसरे की जगह समायोजित करने का जो अधिकार मुख्यमंत्री को होता है वो निश्चित रूप से इन मंत्रिमंडल के गठन में भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट के 6 लोगों को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि जो 6 लोग अगर है तो उनमें से 3 तो पहले ही सचिन पायलट का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जा चुके हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट दिखते भले ही मजबूत है, युवा है, ताकतवर है, क्षमतावान है, सामर्थ्यवान है,
लेकिन उनके पास में सिर्फ एक तीन चार जिलों में जनाधार है, उसके अलावा पूरे राजस्थान में अभी भी उनकी राजनीति की स्थापना होना बाकी है जो अगले चुनाव में निश्चित रूप से। अच्छा ऋषि जी, जिस बात का जिक्र निरंजन जी भी कर रहे हैं कि एक सम्मान प्राप्त है राजस्थान में अशोक गहलोत को, और उसको अभी टक्कर देने के लिए वो व्यक्तित्व शायद सचिन पायलट का नजर नहीं आता है, वो बैलेंस अभी क्रिएट नहीं होता है, तो क्या लग रहा है इसके बाद सचिन पायलट को किसी तरीके से पोर्ट्रे करने की जिम्मेदारी होगी या उनके सम्मान को बचाने की जिम्मेदारी इस बार आला कमान ने संभाल ली है, और इसलिए मंत्रिमंडल में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 से 5 पद अब पायलट गुट को भी मिलने वाले हैं। आलाकमान नहीं चाहते हैं कि एक ऊर्जावान नेता, एक लोकप्रिय नेता, एक एक पॉपुलर फेस जो है, देखिए नो डाउट सचिन पायलट एक पॉपुलर फेस हैं, राजस्थान के क्राउड पुलर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निरंजन जी की बात से मैं सहमत हूं कि पायलट के पास विधायकों का समर्थन नहीं है। पायलट 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मैं कई बार बड़े चैनलों पर कहा है कि यदि आप प्रदेश अध्यक्ष है तो कम से कम 10 से 15 जिला अध्यक्षों का समर्थन तो होना ही चाहिए था आपको। और अशोक गहलोत का राजस्थान के राजनीति में, कांग्रेस के राजनीति में यही धमक है कि दो दो प्रभारी, बड़े राज्यों की प्रभारी जो बनाया गया है, हरीश चौधरी हो या रघु शर्मा हो, वो दोनों अशोक गहलोत खेमा के हैं। रघु शर्मा जो है अशोक गहलोत के खासम खास है, और हरीश चौधरी को पार्षद से सांसद और सांसद से मिनिस्टर और मिनिस्टर से प्रभारी बनाने वाले कोई व्यक्ति है तो अशोक गहलोत है। तो आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत के पसंद का, दो दो प्रभारी जो बड़े राज्यों के राज्य का नियुक्त किया गया है वो भी अशोक गहलोत के च्वाइस का। तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के नजर में, पार्टी में, राजस्थान के राजनीति में अशोक गहलोत की एक अपनी अलग धमक है, नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए आप यदि राजस्थान की राजनीति को समझती होगी तो देखिए 11 से 12 ऐसे विधायक चुनके आए हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन वो कांग्रेस से उनका नाता रहा है। जैसे बाबूलाल नागर हैं, महादेव सिंह खंडेला है, ऐसे नेता जो कांग्रेस में थे और उनको प्रमोट करने वाला कोई नेता था तो अशोक गहलोत, उनको पार्टी में टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़ गए और जीत गए, ऐसे 12-13 भी निर्दलीय विधायक है। नंबर तीन, बसपा से आए 6 विधायक हैं, वो भी अशोक गहलोत के कैबिनेट में कहीं ना कहीं पिछले कैबिनेट में कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं, जैसे राजेंद्र गुड्डा। तो ऐसे नेता हैं जो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में विधायक, पार्टी के विधायकों में जन समर्थन, निर्दलीय विधायकों में जन समर्थन, बसपा से आए विधायकों में जन समर्थन। तो ऐसे मुख्यमंत्री को आप एक ऐसे चेहरा से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जिनके पास विधायकों का समर्थन। अच्छा, मौजूदा समय जो कुछ हो रहा है ऋषि जी, क्या आपको लग रहा है देरी से हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो गया पिछले कुछ समय में, अब 1 साल का वक्त रह गया है, राजस्थान में भी इसको बिल्कुल निर्णायक समय माना जाना चाहिए कि अब जो कर लिया तो कर लिया, इसके बाद तो देरी मानी जाए। क्या लग रहा है ठीक समय पर फैसला लिया है, अभी जो फैसला लिया गया है, आज जो इस्तीफे ले रहे हैं या फिर पुनर्गठन का जो जिक्र हो रहा है कैबिनेट का, ऋषि जी? आपके सवाल से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि देखिए आला कमान तो चाहती थी, सोनिया गांधी खुद चाहती थी कि सचिन पायलट को जल्द से जल्द कैबिनेट में या सचिन पायलट गुट को जल्द से जल्द कैबिनेट में एडजस्ट किया जाए जी। लेकिन अशोक गहलोत इतना मजबूत है कि आला कमान के निर्देश को भी कहीं ना कहीं, यदि मैं कहूँ थोड़ा, हो सकता है कि अशोक गहलोत के नेताओं को बुरा लगे, नजरअंदाज उन्होंने हाईकमान के निर्देश को भी किया है। आप देखिए अजय माकन जो प्रभारी है, कई बार राजस्थान के दौरे पे गए, कई बार जो पायलट कैंप के द्वारा फॉर्मूला दिया गया उसको उनके सामने रखा, सोनिया गांधी के एडवाइस को रखा, फिर भी अशोक गहलोत संतुष्ट नहीं थे। अशोक गहलोत बार बार सोनिया गांधी को यही कह रहे थे कि एक बार पायलट ने पार्टी से विद्रोह किया, सरकार को डी एस्टेबल करने का प्रयास किया, कैसे हम पायलट में विश्वास करें। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत वर्तमान परिस्थिति में पार्टी हाईकमान, यदि मैं कहूं तो पार्टी हाईकमान 2004 वाला पार्टी हाईकमान नहीं है। 2004 में जो सोनिया गांधी की जो पार्टी में ताकत थी, जिस प्रकार से यूपीए सरकार का गठन हुआ, दोबारा 2009 में सोनिया गांधी की लीडरशिप में सरकार आई, अब वो पार्टी हाईकमान नहीं है। पार्टी हाईकमान कब मजबूत होता है साक्षी जी? जब आप डिलीवर करें। दो दो लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है,
कई महत्वपूर्ण राज्य जो है कांग्रेस गंवा चुकी है, तो पार्टी हाईकमान अभी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर अच्छा, हुआ है। फिलहाल अगर राजस्थान का जिक्र करें, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि पिछले कुछ समय में कांग्रेस ने अपनी मजबूती को बहुत हद तक लूज किया है राजस्थान में। निरंजन जी ये कह सकते हैं टाइमिंग को लेकर कांग्रेस की किस्मत इसलिए भी अच्छी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी गुट हैं और वहां जो कुछ हो रहा है वसुंधरा राजे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा है उसको देखते हुए अभी मौजूदा हालात कांग्रेस के लिए फेवरेबल मान सकते हैं क्योंकि बीजेपी में भी इस समय गुटबाजी तेज हो चुकी है। निरंजन जी मैं आपको एक पहले तो एक मैं ऋषि जी की बात से सहमति जताता हूँ कि निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान अब पहले जितना मजबूत नहीं है, 10 साल पहले जितना जैसा कुछ साल पहले था और आज नहीं है, ये सच्चाई। अब वो प्रदेशों पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है। लेकिन जो दूसरा सवाल जो आपका है मैं महत्वपूर्ण, वो भारतीय जनता पार्टी का जो भीतरी राजनीति है, अंदरूनी राजनीति, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिखरी हुई है। राजस्थान में वसुंधरा राजे का गुट एक अलग है, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश पूरे निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ ही चलते हैं, उसके बनाए हुए जिलाध्यक्ष होते हैं, वे जिलाध्यक्ष भी उनके साथ में है। तो उसके अलावा जो कभी कभी बहुत ऑब्वियस चेहरा जो बीच में उभर जाता है वो है जो केंद्रीय मंत्री शेखावत का, जो जोधपुर से सांसद है, और वो क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जाट राजपूतों का वो नेतृत्व का रहा है, तो वसुंधरा राजे जन्म से तो राजपूत है लेकिन वो राजस्थान की राजनीति में जाट नेता के तौर पर है क्योंकि जाट राजघराने की बहू है। प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी की, वो सतीश पूनिया, वो जाट है। तो इन सब का जो आपसी जो बंटवारा है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदेह है, तो कांग्रेस के लिए वो एडवांटेज बन करके भी उभर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरंजन परियार जी, ऋषि मिश्रा जी, आपने वक्त निकाला, समय दिया, लेकिन आज शाम 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद जो निर्णय लिए जाएंगे और जिस तरीके से पत्ते खुलेंगे उसके बाद ही चीज़ें साफ होंगी कि राजस्थान में असल मायनों में कांग्रेस करने क्या चाहती है और क्या सचिन पायलट को सम्मान दिलाने की कोशिश यहाँ पर आला कमान कर रही है या नहीं। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।